नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे खेती की जमीन का आवंटन। वे किसान जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है या जमीन कम है, उनको सरकार द्वारा किस प्रकार से जमीन आवंटन की जाएगी, कितनी जमीन आवंटन की जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसेस है, इस संबंध में मैं विस्तृत में इस वीडियो में बताऊँगा। मेरा इस वीडियो में मैं बताने का मूल उद्देश्य यह है कि वे किसान जिनके पास जमीन बिल्कुल ही नहीं है और यहाँ बिल्कुल कम जमीन है, वे चाहते हैं कि गांव में उन्हें जमीन मिले। तो जमीन मिले तो उसके लिए उनको क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसमें जिन किसानों का कब्जा किसी भी जमीन पर नहीं है वे भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि जिस जमीन का कब्जा है वो आपके नाम पे कैसे कराएं। किसी व्यक्ति का गांव में किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं है और वो चाहता है कि सरकार उसे जमीन अलॉटमेंट करे और कब्जा भी सुपुर्द करे और जमीन माप कर उसके नाम पर रिकॉर्ड में चढ़ाए, इस वीडियो में मैं ये बात समझाऊंगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में प्रश्न उठता है कि जमीन अलॉटमेंट के लिए व्यक्ति कौन पात्र व्यक्ति है। ठीक है, पात्र व्यक्ति कौन है? पात्र व्यक्ति वो है जिसमें सबसे पहले तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, दूसरा जिस गांव में उसको जमीन चाहिए वो उसी गांव का निवासी है, तीसरा उसके पास जमीन कम है या नहीं है। अब आपके दिमाग प्रश्न उठता है, सर कम तो कितनी जमीन? 10 एकड़ से कम से कम, 10 एकड़ से कम जमीन है उसके पास या जमीन नहीं है तो वो आवेदन कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सर हाँ, एक उसका किसान होना जरूरी है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन आवेदन नहीं कर सकता है इसमें? एक तो जो सरकारी नौकरी में है, ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो रजिस्टर्ड व्यापारी है जो खेती नहीं करते हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तीसरे जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी फैक्ट्री में स्थायी रूप से काम करते हैं उनको भी जमीन का अलॉटमेंट नहीं होगा। चौथा जो उस गांव के निवासी नहीं है, वैसे नियम यह है कि किसी दूसरे गांव में भी अलॉटमेंट हो जाती है पर उसमें आगे बताऊंगा कि वहां दिक्कत क्या आती है, इसलिए आप मोटा मोटा समझ लो जिस गांव में आपको जमीन चाहिए वहां के आपके निवासी नहीं हो तो अलॉटमेंट नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया कि पात्र व्यक्ति कौन है, 18 वर्ष से ऊपर हो गया, उसका गांव उसी गांव का निवासी होना चाहिए, जमीन उसके पास कम होनी चाहिए, 10 एकड़ से कम है या जमीन नहीं है, वो किसान होना चाहिए। और किसके नाम अलॉटमेंट नहीं होगी, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, जो रजिस्टर्ड व्यापार है, छोटी मोटी दुकान कर रहा है तो चलेगा, स्थायी नौ काम कर रहा है तो उसके नाम पर भी जमीन का अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये हो गया पात्र व्यक्ति। अब कौन सी जमीन मिलेगी, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जमीन कौन सी मिलेगी, कौन सी जमीन मिलेगी। तो सीधी सी बात है, खेती के लिए जमीन दे रहे हैं तो खेती की जमीन मिलेगी। ठीक है, खेती की जमीन में देखो, जमीन एक तो जमीन होती है बिला नाम, ठीक है, दूसरी हो गई चरनोट, तीसरी हो गई रास्ता, यानी जो सरकार की जमीन है खेती के लिए या तो बिला नाम, चरनोट, रास्ता, या फिर एक तरह की और एक जमीन और होती है खातेदारी, और एक और होती है आबादी। आबादी तो निवास स्थान के लिए, इसलिए आबादी में तो खेती की नहीं मिलेगी। खातेदारी जो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ खाते का, इसलिए उस पर आपका नाम आने से रहा, तब आपके नाम कौन सी आएगी, बिला नाम, चरनोट, रास्ता, इन तीनों में से बिला नाम जमीन ही आवंटन होगी, यानी चरनोट जमीन आवंटन नहीं होगी। चरनोट क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये तो गायों के चरने के लिए पहले से आरक्षित है, और रास्ता भूमि भी आवंटन नहीं होगी, यानी कि बिला नाम जमीन ही आवंटन होगी। अब आपके दिमाग प्रश्न उठता है, साहब हमारे गांव में जमीन बिला नाम है या नहीं, तो आपको बिला नाम गांव में जमीन है कि नहीं इसका पता कैसे चलेगा, जमीन का सबसे पहले तो ई मित्र से, ई मित्र जिस गांव में आप रहते हो उसमें निकालो कि बिला नाम जमीन कितनी है, ठीक है, या वहां से नहीं मिलेगा तो कहां से मिल जाएगा, पटवार हल्का से। जैसे आपके गांव में 50 बीघा जमीन है, ठीक है, 50 बीघा करीब जमीन बिला नाम जमीन है, तो आपको ई मित्र से पता चल गया या पटवार हल्का से पता चल गया। अब क्या करना है आपको, जो बिला नाम जमीन है उसमें भी देखो, अगर ग्राम पंचायत ने स्कूल के लिए जमीन आरक्षित कर रखी है, हो
हॉस्पिटल के लिए आरक्षित कर रखी है, किसी पार्क के लिए आरक्षित कर रखी है, किसी मंदिर या सार्वजनिक काम कोई भी हुआ उसके लिए वो जमीन आरक्षित कर रखी है, तो बिला नाम जमीन में से भी आपको जमीन नहीं मिलेगी। इसका पता कैसे चलेगा कि ग्राम पंचायत एनओसी देती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि जमीन गांव में बिला नाम है या नहीं। अगर गांव में बिला नाम जमीन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नाम पर वो जमीन अलॉटमेंट नहीं होगी। अब आपको पता चल गया गांव 50 बीघा करीब जमीन है बिला नाम, तो अलॉटमेंट कैसे होगी, उसका प्रार्थना पत्र क्या होगा? प्रार्थना पत्र में किस साथ में आपको क्या करना है, सीधी से एक रिपोर्ट लिखनी है। कैसे, किसको लिखनी है? एसडीओ साहब को, सेवा में श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, जो भी आपका उपखंड है जैसे वल्लभ नगर है, मावली है, भिंडर है, वो लिख दिया आप नाम, विषय जमीन अलॉटमेंट है। तो फिर लिखना कि महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं किसान हूँ, मेरे नाम पर जमीन नहीं है। अगर आप 18 साल के ज़्यादा और आपके नाम जमीन नहीं है तो जमीन नहीं है, है तो बहुत कम, जितनी जमीन है उतनी जमीन ही है, मेरा पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर है, आपसे निवेदन है कि मुझे अमुक गाँव में खेती की जमीन अलॉटमेंट करने का आदेश प्रदान करा। और फिर आपके सिग्नेचर दिनांक ये एप्लीकेशन लिख दी, और जो जमीन आपने जो नकल निकलवाई पटवारी से बिला नाम की, उसकी नकल की कॉपी उसमें लगा देना। तो एसडीओ साहब क्या करते हैं, देखो नियम क्या है कि जो सरकारी नियम तो यह है कि एसडीओ खुद पता करते हैं पटवारी से कि कौन सी जमीन अलॉटमेंट के लिए योग्य है, उस अलॉटमेंट जमीन का फिर वो खुद वो रिपोर्ट मंगवाने के बाद गांव में एक उद्घोषणा जारी कराते हैं, पर यह जनरली ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिख के एसडीओ साहब को दे देनी है, ठीक है। उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी आपके जमीन का आवंटन नहीं करेंगे, उसमें वहां पर क्या होती है, एक समिति बनी होती है, वो समिति अनुशंसा करती है। समिति में कौन कौन होते हैं, एक तो आपके क्षेत्र के एमएलए सदस्य होते हैं, दूसरा कौन होता है, प्रधान होता है, तीसरा कौन होता है, बीडीओ अधिकारी हो, ठीक है, और चौथा कौन होता है, सरपंच हो गया, और पांचवा कौन होता है, पांचवा होता है एक एसटी एससी का कोई भी व्यक्ति जिसको समिति में सरकार द्वारा नियुक्त हो जाता। और कहीं कहीं कई राज्यों में एक अन्य व्यक्ति नियुक्ति के लिए अलग से तय होता है, यानी कि इन छह लोगों की एक समिति होती है। उपखंड अधिकारी आपकी एप्लीकेशन जब भी ये इसकी मीटिंग होगी, इसकी मीटिंग महीने में एक बार हो, बल्कि साल में एक बार हो, तब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। अब यहाँ पे ये सारे मिलकर तय करेंगे, एमएलए साहब, प्रधान, बीडीओ, सरपंच, कि भाई अमुक व्यक्ति के पास जमीन इतनी है कि नहीं है, वो पटवारी से रिपोर्ट भी मंगाएंगे, सारा रिकॉर्ड। फिर ये समिति अगर आपके नाम की अनुशंसा करती है, क्या करती है, एक शब्द है अनुशंसा, अनुशंसा मतलब हाँ आपको दी जाए, तो वो अनुशंसा करने के बाद आपको क्या होगा, जमीन जो तय की जाएगी, कौन सी जमीन दी जा रही है, पटवारी हल्का और तहसीलदार बताएंगे भाई ये जमीन है, बिला नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, और सरपंच साहब बोलेंगे हाँ ये हमारे स्कूल के लिए है कि हॉस्पिटल के लिए है कि उपयुक्त जमीन नहीं है, हमारे पास अलग से जमीन है, ये जमीन आवंटन कर दी जाए, तो कोई आपत्ति नहीं है। यानी मेन सरपंच का इसमें रोल रहता है, बाकी ये पूरी समिति। अब अनुशंसा करने के बाद किसके पास आती है वो रिपोर्ट वापस, एजो साहब के पास। एजो साहब किसको बोलेंगे, तहसीलदार साहब। अब तहसीलदार साहब क्या करेंगे, पटवारी साहब बोलेंगे कि अनुशंसा में जैसे आपके 10 बीघा जमीन की गई, तो ये 10 बीघा का आदेश किसको आप मिलेगा, पटवारी साहब के, जैसे मेरे नाम का किया गया, मान लो कि मुकेश को दी जाए 10 बीघा जमीन पिताजी ने, तो पटवारी साहब क्या करेंगे, जहाँ पर वो बिला नाम जमीन है वहाँ जमीन को 10 बीघा जमीन माप कर मुझे उसका कब्जा सुपुर्द करेंगे, और इसकी मेरे को नकल देंगे। नकल क्या होगी, वो गैर खातेदार नाम से नकल। गैर खातेदार का क्या मतलब हुआ, कि मैं उस जमीन को 10 साल तक बेच नहीं सकता, ऐसा नहीं कि आपने अलॉटमेंट करा दी और आगे 20 दिन पैसे ले लिए, ऐसा नहीं, 10 साल तक मैं बेच नहीं सकता, इस पाबंदी। दूसरी पाबंदी क्या होगी, कि मैं उस पर खेती करूं, ठीक है, पटवारी साहब हर साल रिपोर्ट देंगे कि आप खेती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उपजाऊ बनेगी कि नहीं बनेगी। ये दोनों पूर्ति होने के बाद 10 साल के बाद आपके क्या हो जाएगी, वो खातेदार जमीन हो जाएगी। फिर चाहो तो आप बेच भी सकते हो, किसी को दान भी दे सकते हो, गैर खातेदारी से खातेदारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया कि एक व्यक्ति जो गरीब किसान है, जिसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, तो वो किस प्रकार से सरकार से अपनी जमीन मांग सकता है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें बताऊंगा मैं कि जैसे ये आपकी जमीन है, ये आप इसके पास में सरकारी की जमीन पड़ी है, क्या है, सरकारी बिला नाम जमीन पड़ी, ये तो आपके खाते इतनी, ये आपके खाते नहीं, तो किस प्रकार से इस जमीन को भी आपके
खाते कराओ, इस पे कब्जा है आपका, इसको खाते कराओ। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो मैं हूँ एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।